हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। और मैंने आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझा दी है कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95 प्लस स्कोर करना है, आपकी इच्छा है, तो अनसॉल्व पेपर की क्लासों को आप बहुत अच्छे से कीजिए। साथ ही में आप लोगों को अभी हम वन शॉट क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर की, उसको कर डालिए अच्छी तरीके से। मेरी गारंटी है कि आप सभी लोगों को 95 प्लस ही मार्क्स मिलेंगे, इससे नीचे नहीं मिलेंगे। विश्वास नहीं होगा तो आप हमारे प्रीवियस ईयर की क्लासें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स विषय का पूरा पेपर आपका फंसेगा, बशर्ते आपको जो क्लासें हम प्रोवाइड करें उनको आप करते जाइए। तो चलिए भाई, हम आप लोगों को 2024 का सेट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करा रहे थे, जिसमें से एक नंबर वाले और दो नंबर वाले क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करा दिया है। आज 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे और 5 नंबर वाले टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, आपको हम बता दें, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं एकदम निश्चित हैं जो कि हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और एक ही तरीका उनको लगाने का, और कोई तरीका भी नहीं। जैसे आप भी चैप्टर से आता है रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करना, आपको रैखिक प्रोग्रामन की समस्या सॉल्व करने के लिए हर बार पेपर में देखने को मिलेगी, और अवकल समीकरण चैप्टर से समघात अवकल समीकरण या रैखिक अवकल समीकरण को हल करने वाला क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। आपको सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति में जो क्वेश्चन आपका होता है दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी वाला, ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हर पेपर में देखने को ही मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने सेट नंबर 1 में इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन में आपको हिंट दी जाएगी, अगर वो थोड़ा हटके होगा तो आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। बाकी अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको भैया सॉल्व नहीं कराया जाएगा, आपको जो हिंट दे दिया जाएगा आप उसे सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हर बार पेपर में सॉल्व कराने का कोई मकसद नहीं। ओके, तो चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का पार्ट में। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन आया है ये समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से आया है। साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल टॉपिक ही अब आपके सिलेबस में बचा हुआ है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कट गया है, तो क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि कहाँ से पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये दीर्घवृत्त का आपका क्वेश्चन है और दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, या तो वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल आता है। अब इसकी तुलना अगर हम कर लें, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। अगर इसकी हम तुलना करें, तुलना करने पर किस समीकरण से तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए की जो वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर बराबर 25 तो ए की वैल्यू 5, और बी की वैल्यू जो आएगी वो 3, बी स्क्वायर बराबर 9 तो बी की वैल्यू 3। चूँकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है भाई, ग्रेटर देन किससे भाई, बी से। अच्छा, ए जो होता है वो एक्स अक्ष पर चला गया निर्देशांक होता है। जब यहाँ पर हम चतुर्थांश बनाएंगे तो ये होता है, सभी को पता है, ओरिजिन पॉइंट 0,0। ओके, और ये एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी हो गई 1,0। और ये दूरी चूंकि ज़्यादा है वाई अक्ष की तुलना में, तो ये जो आपका बनेगा दीर्घवृत्त, ये वाई अक्ष के अनुदिश ऐसे बनेगा, इधर की दूरी ज़्यादा होगी, ऊपर नीचे की दूरी कम होगी वाई अक्ष के अनुदिश में। अच्छा, यहाँ पर जो बिंदु होगा वो आपका 0,b होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर b। अच्छा, ये एक्स अक्ष पर 1,0 होगा, इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा थोड़ा सा फिगर ऐसा लग रहा है कि चारों खाने अलग अलग हैं, लेकिन ये चारों खाने बराबर होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसी एक भाग द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसके लिए एक हम पट्टिका खींचते हैं। जिस भी वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है उस पर पहले उस कर्व द्वारा एक पट्टिका खींचते हैं। अब ये पट्टिका हम इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। जैसे मैंने एक्स अक्ष पर खींचा तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे, अगर वाई अक्ष में खींचते तो यहाँ डी वाई लिखते, और ये किस अक्ष के अंदर से वाई अक्ष के अंदर से यहाँ पर वाई लिख देंगे। बात समझे कि नहीं। अब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्योंकि ये पट्टिका आयताकार है, तो लंबाई हो गई मान लीजिए वाई और चौड़ाई हो गई मान लीजिए डी एक्स, या वाई डी एक्स लगाते ही, और लिमिट लेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर इसको मैंने रखा है, तो लिमिट एक्स अक्ष की लेंगे 0 से ए। अच्छा, ए कितना चल रहा है भाई, 5 चल रहा है, और बी कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट, हो जाएगा 0 से 5। अब चूँकि एक खंड का निकालना है, ऐसे 4 खंड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे लिमिट 0 टू 5, और y की वैल्यू आपको इस समीकरण से रखना है। तो जब यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू इसको उधर भेजोगे तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25 आएगा। जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये 9 उधर चला जाएगा, 3 बटे 5,
और अंडर रूट 25 को ले सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू आएगी इसी समीकरण से। ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो ये 3/5 आपका पहली बात तो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू में dx। आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है समाकलन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सभी लोगों ने पढ़ा है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है a बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये होता है भैया समाकलन। ओके गलत नमूने पाया, देखिए फार्मूला आप सभी लोगों को आना बहुत जरूरी है, ठीक काफ़ी दिनों के बाद मैं इसे देख रहा हूँ इसलिए एक बार हम सोचते हैं कि फार्मूला देख ही लिया जाए क्यों गलती हो ना। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ओके ये फार्मूला होता है, ये समाकलन के अनुप्रयोग में ज़्यादा यूज होता है। अब वैल्यू रख देंगे बस यहाँ पर, देखिए स्क्वायर अप कर दूँ कोई दिक्कत तो है नहीं उधर, चलिए स्क्वायर अप कर देता हूँ। देखिए अब ये आपका कितना हो जाएगा a इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3/5 समाकलन करने पर x बाई 2 है ना और अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 25/2 साइन इनवर्स x बाई a, a की वैल्यू 5 होगी भैया ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी तो 5/ कितना होगा x बाई 2, देखो मैंने लिख दिया x बाई a होता है 5/a, a के स्थान पर x बटे a, a के स्थान पर 5। अच्छा लिमिट कितनी दी है तो लिमिट आपको दी गई है 0 से 5। सबसे पहले फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा a ठीक है, ये देखो लाइन मैंने खींच दिया गड़बड़ कर रही है जगह है, a इक्वल टू 4/3/5 ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ जब 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 0 ये पूरा फंक्शन 0, यहाँ जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 और साइन इनवर्स x के स्थान पर 5, 5/5 मतलब 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 के स्थान पर लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस, फिर इसी पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट यानी 0 पुट करेंगे, इसमें यहाँ 0 पुट करेंगे ये पूरा फलन 0, यहाँ x के स्थान पर 0 पुट करेंगे साइन 0 की वैल्यू होती है तो ये पूरा फलन 0 मतलब 0 पुट करने पर ये पूरा फलन 0 ही आएगा। आप देखिए ये a बराबर हो गया 4/3/5 बचेगा कितना 25/2 और इंटू में बचेगा पाई बाई 2, काटिए भैया 2 × 4 से 4 कैंसिल, 5 से 25 को काटोगे 5 आएगा, a बराबर 5 × 3 = 15 और पाई और ये चूंकि क्षेत्रफल है तो ये वर्ग का ही आएगा, तो पूरे दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा 15 पाई वर्ग का ही आएगा। अब इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन ही है, मैथमेटिक्स अब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ठीक है। देखिए जिन विद्यार्थियों को अगर थोड़ा कम समझ में आए तो वो हमारी प्रीवियस जो वन शॉट क्लासें मैंने प्रोवाइड की हैं उनको आप कर लीजिए ठीक है, वो प्रीवियस क्लासेस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वो एनसीईआरटी बुक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन क्लासों में बताए गए हैं ठीक है, तो अपने कर सकते हैं। आगे देखते हैं भैया पांचवे का खा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है और अभी पिछले सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर दिया गया ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। जब 2 संख्याओं के योगफल की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को मानते हैं एक्स, क्या मानते हैं पहली संख्या को x, तो माना पहली संख्या कितनी भाई x, क्योंकि दोनों का योगफल 6 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 6 − x, क्लियर भी बात। अब देखिए इन्होंने कहा उनके घनों का योगफल जो है वो न्यूनतम है, वो मान लेते हैं एफ एक्स बराबर इनके घनों का योगफल मतलब x³ + 6 − x³। घनों का योगफल न्यूनतम आपको दिखाना है ठीक है, तब ये संख्याएं क्या होंगी आपको ये भी बताना है। इसके लिए क्या करते हैं हम एक बार x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर 3x² 3 आगे आ जाएगा 6 − x² अब मेरी बात को समझिएगा, पावर आगे आती है पावर से कम होता है लेकिन x के स्थान पर क्या 6 − x, जब इसका अगेन अवकलन करेंगे तो 6 का 0 हो जाएगा −x का अवकलन −1 हो जाएगा।
अब ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ना होकर के ये बचा आपका माइनस थ्री छः माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात को समझ में? अब क्या करते हैं, इसी वक्त हम एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, मतलब द्वितीय बाल भी अवकलज निकाल लेते हैं। तो ये दो आगे आ जाएगा, ये छः एक्स हो जाएगा, ठीक, इसमें से दो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा छः माइनस एक्स, और फिर छः माइनस एक्स के पावर आ गई थी, पावर से कम होता भाई, फिर छः माइनस एक्स क्या करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा। इस तरीके से एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी छः एक्स माइनस माइनस की गुणा प्लस तीन दूनी छः और ये छः माइनस एक्स। हम करते क्या हैं, इसको मानते हैं समीकरण एक, पहली बार अवकलन को दो मानते हैं और इसको तीन मानते हैं। अब क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं भाई, जीरो के बराबर दिखाते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू को देखिए, यहाँ पर कितना दिया गया है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस तीन छः माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इसको जीरो दिखा देंगे। पसंद में ही, तो ये आपका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बराबर, इस वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तीन छः माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तीन से तीन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर छः माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन कीजिए इसको, छः का स्क्वायर छत्तीस प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, टू इंटू छः यानी बारह हो जाएगा एक्स। देखिए आप करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, बारह एक्स को इधर लेंगे प्लस एक्स हो जाएगा उधर छत्तीस, बारह तीन छत्तीस, एक्स बराबर तीन आ गया। जो प्रथम बार हमने अवकलन किया वहाँ से एक्स की वैल्यू उनको एफ डैश एक्स बराबर जीरो दिखाने पर वो तीन आ गई। अब इस वैल्यू पर हम देखेंगे कि जो द्वितीय बार अवकलन किए हैं उस पर फलन निम्निष्ठ आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न्यूनतम की बात कही है यानी धनात्मक आना चाहिए। एक्स बराबर तीन पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू केवल चेक कर लो धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। तो चलिए एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे तीन, छः त्रिक अट्ठारह, यहाँ तीन रखेंगे तो छः से तीन जाएगा तीन, तो तीन छः त्रिक अट्ठारह, छः त्रिक अट्ठारह मतलब आपका आ जाएगा अट्ठारह अट्ठारह छत्तीस, जो कि आपकी धनात्मक है, और धनात्मक वैल्यू ये चीज़ शो करती है कि इस वैल्यू पर फलन क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। अतः एक्स बराबर तीन पर जो एफ डैश एक्स है क्या है, न्यूनतम, इसी को आपने माना था। अब ये न्यूनतम हो गया, एफ एक्स न्यूनतम हो गया, और न्यूनतम के लिए कंडीशन बोली थी तो एक्स बराबर तीन पर न्यूनतम है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या तीन और दूसरी संख्या जो थी वो हमने मानी थी छः माइनस एक्स, मतलब छः माइनस तीन बराबर कितनी हो जाएगी तीन, तो पहली संख्या भी तीन होगी और दूसरी संख्या भी तीन होगी। भाई आप सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ओके। आप लोगों को पाँच पाँच नंबर वाले प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स के आते हैं, है ना। क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेन है भैया, तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी लोगों को क्लासों का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन पाँचवें का खा पार्ट, ओके। अब हम बढ़ेंगे पाँचवें के गा पार्ट की ओर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं होता है वो भी बोर्ड एग्जाम में रख दिया जाता है, जबकि आप सभी को पता है कि तीसरा क्वेश्चन है ये सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित है, और ये सारणिक का जो गुणधर्म नामक टॉपिक है ये आपके सिलेबस से भी एक साल पहले हटा दिया गया है, इस बार तो किताब में उसके क्वेश्चन भी नहीं है, तो इसको सॉल्व कराने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये आ गया लेकिन अब कभी आए वाए का नहीं, क्योंकि सिलेबस में बचा नहीं है, ठीक है। भूले बिसरे कहीं आ गया था, अब इसको आप नहीं सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आगे जो घा पार्ट है वो आपका रैखिक प्रोग्रामन की समस्या है, उसको मैंने सॉल्व करना बताया है, आज मैं पुनः बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे के सेटों में आएगा तो फिर नहीं बताऊँगा, ओके। चलिए आपको दिया गया है जो भी आसमिका दी गई उसको समीकरण रूप में हम डायरेक्ट बना लेते हैं, जैसे x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 60, मेन हमको ये लेना है x प्लस वाई और ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20, है ना। और तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए जेड हमको जिसका जो है अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण निकालना उसको भी लिख दीजिए, थ्री एक्स प्लस एट वाई, जड़ बराबर 3x प्लस 8y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना, ना कि कोणीय बिंदु बताना है। इसके लिए सिंपल तरीका यह है कि जो आसमिका है सबसे पहले इनको समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब बराबर चिन्ह लगाइए, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। इसके लिए आपको बिंदु निकाल लेना है और इसके लिए भी आपको बिंदु निकाल लेना, दोनों समीकरणों के लिए, ठीक। करते क्या है,
यहाँ पर डिब्बे बना करके बहुत सिस्टम्स निकाल सकते हैं। x बराबर जीरो रखेंगे तो y बराबर 3 × 6 आ जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा। y बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा 0, 20 और 60, 0। अच्छा, इस समीकरण से जब बिंदु निकालेंगे तो देखिए x हो गया, y हो गया, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, मतलब निर्देशांक 0, 20 और 20, 0 हो जाएंगे। अब इन निर्देशांकों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ पर दिखा देते भाई। 20 के हिसाब से तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे भी दिखा सकते हो, 40, 50, 60। ओके, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 50, 60 तक इसलिए दिखाया क्योंकि मैक्सिमम मान 60 ही है। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्लियर भी बात। अब हम देखिए क्या करेंगे, 0, 20 को देखेंगे, मतलब एक से छप्पर नहीं चलना है, यहाँ पर चलना है, ये 0, 20 हो जाएगा और 60, 0 पर चलेंगे, ये 60, 0 हो जाएगा और 0, 20 फिर यही होगा। तो एक बार पहली समीकरण से ये मिला लेंगे और इस वाली जो बिंदु प्राप्त हुए इससे मिला लेंगे 0, 20, 20, 0 को, ये आपका हो जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे, देखो हम क्या चेक करेंगे, इसके द्वारा चेक करेंगे कि जो एरिया है वो अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो इस लाइन के अंदर आपका ओरिजिन पॉइंट 0, 0 आ रहा है, तो 0, 0 पर चेक कर लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है x+3y ≤ 60, अगर x की वैल्यू 0 रखें और y की वैल्यू भी 0 रखें तो ये कुल मिला करके आ जाएगा 0 ≤ 60। ये जो कंडीशन निकल के, अगर ये सत्य है, हमने 0, 0 क्यों रखा, देखो इस लाइन के अंदर 0, 0 है, अगर 0, 0 रख रहे हैं और कंडीशन सत्य आ रही है तो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट इसके क्षेत्र में होगा, और अगर कंडीशन सत्य नहीं हो रही तो मतलब इसके क्षेत्र में नहीं होगा, उधर की ओर एरिया दिखा देंगे। तो अब इसीलिए 0, 0 यहाँ पर रखें, 0, 0 रखने पर ये कंडीशन आ रही, 60 जीरो से बड़ा है मतलब सत्य है, मतलब इसके क्षेत्र में ओरिजिन पॉइंट शामिल, इसको अंदर की ओर खींच देंगे। तो बात हमारी समझ में ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, फिर आगे जो दूसरी असमिका दी है, क्या दी है, x+y ≥ 20, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 ≥ 20। आप बताइए 0 क्या कभी 20 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस वाली लाइन के क्षेत्र में ओरिजिन पॉइंट नहीं आएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल, मतलब छायांकित भाग उधर दिखाएंगे। अब जब इन दोनों को क्रॉस आउट करेंगे तो ये आपका अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, इसका कोणीय बिंदु एक है आपका, देखिए एक बिंदु आया 0, 20, एक बिंदु आया आपका 20, 0, एक बिंदु आपका आया 60, 0। इन तीनों बिंदुओं पर हमको जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जेड बराबर कितना है, 3x + 8y। देखिए एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे और वाई की वैल्यू 20 रखोगे, 20 × 8 = 160 हो जाएगा, इस वैल्यू पर 160 आएगा। अच्छा, 20, 0 जब निकालोगे 20, 0 पर, तो एक्स अक्ष पर 20 रखोगे, ये 60 हो जाएगा, वाई पर 0। और जब 60, 0 पर निकालोगे 6 × 18 = 180 आएगा, मतलब ये आपकी अधिकतम वैल्यू होगी और ये आपकी न्यूनतम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी। और आपसे क्वेश्चन में अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पूछा ही गया था बस। तो आपने देखा कि रैखिक प्रोग्रामन वाले जो क्वेश्चन है बहुत ईजी होते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं दादा, हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो अंगा क्वेश्चन है वो अवकल नियता का क्वेश्चन, मतलब सत्यता एवं अवकल नियता का क्वेश्चन है, इसको भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। आप लेकिन प्रीवियस ईयर की क्लासेस देखते नहीं हो, आप लोग कहते हो कि वो पुरानी हो गई, देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, नॉलेज कभी पुराना नहीं होता है। एक फंक्शन आपको दिया गया है f(x)(x-2)/x-2, और यहाँ पर दिया गया x≠2 और 0 फलन की वैल्यू तब है जब x = 2 है, और x = 2 पर सांतत्य एवं अवकल नियता की जांच करना है। आपको चीज बता दें, कोई फलन किसी दी गई लिमिट पर अगर वो सतत होता है, ठीक है, तो अगर वो सतत होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अवकलनीय भी है। अगर वो सतत है तो उनको चेक करना पड़ेगा कि अवकलनीय है कि नहीं अवकलनीय। लेकिन अगर कोई फलन सतत नहीं है तो अवकलनीयता चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो फलन सतत नहीं होता है वो अवकलनीय कभी होता ही नहीं, ये प्रमेय आपकी कहती है।
तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मतलब सतता चेक करेंगे। पहले तो यहाँ पर मॉड एक्स है, मॉड एक्स की परिभाषा से इसको परिभाषित करेंगे। परिभाषित क्या करेंगे, इसको ऐसे ले सकते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू जब धनात्मक लेते हैं, मतलब एक्स माइनस टू लेंगे अपान में एक्स माइनस टू, तो जो एक्स की लिमिट होगी वो ग्रेटर देन होगी टू से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, और जब एक्स की वैल्यू ये मॉड एक्स की वैल्यू माइनस लोगे एक्स माइनस टू अपान में एक्स माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू लेस देन होगी टू। बात समझ में आ रही? और जीरो एक्स बराबर दो पर तो फलन की वैल्यू जीरो है ही है। बात खत्म। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू आई, देखिएगा ध्यान से, इसको इससे काटोगे एक, एक्स ग्रेटर देन टू, आई बात समझ में? इसको इससे काटोगे माइनस एक, एक्स लेस देन टू, जीरो एक्स बराबर दो। तो इस तरीके से देखा जाए, सभी लोगों को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि ग्रेटर देन आर एच एल। अब जैसे हमको क्या करना होता है सतता चेक करने के लिए, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस दी गई लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो फलन जो होता है वो सतत होता है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्स बराबर दो पर, ठीक, हमको फलन की वैल्यू निकालना है, यानी एफ टू की वैल्यू निकालना है। इस पर तो जीरो है दी गई, आप देख पा रहे हो एक्स बराबर जो दो है तो फलन की वैल्यू जीरो है। ओके, अब चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पर लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू, जो लिमिट होती है उससे हल्की सी बड़ी वैल्यू पर हम फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू टू, हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, मतलब एक्स जो दो से बड़ा हो तो आपके फलन की वैल्यू कितनी है एक। अब चूंकि एक में तो एक्स के स्थान पर कुछ वैल्यू रखी नहीं जा सकती, तो इसकी वैल्यू एक ही होगी। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू टू माइनस एफ एक्स, मतलब दो से हल्की कम वैल्यू पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू टू माइनस, फलन की वैल्यू कितनी भाई माइनस एक। अब माइनस एक में तो कहीं एक्स का मान रख नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक। अब हम अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू फलन की वैल्यू के, यानी एफ टू के बराबर। जब ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं तो जो फलन होता है वह सतत नहीं होता है, अर्थात फलन असतत होता है। और जब फलन सतत नहीं होता है यानी असतत होता है, तो फलन अवकलनीय भी नहीं होता है। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि चूँकि ये फलन सतत ही नहीं है, तो कोई फलन अगर सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होता है। ओके, अब मैं शॉर्ट में लगा दूँ तो आप शॉर्ट में नहीं लगाइएगा, थोड़ा समझ लीजिए। ओके, यहाँ व्हाइट बोर्ड है। चलिए भाई, तो इस तरीके से पाँच नंबर वाले टोटल आपके ये चार पाँच प्रश्न इधर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर छः के हम जो भी पार्ट हैं उनको देखते हैं। ओके, सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास बनाई जाती है कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, क्लास को पूरा कर करके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सीख करके बोर्ड एग्जाम में भाई बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छः का पार्ट, क्वेश्चन नंबर छः के का पार्ट में दिया गया है कि अवकल समीकरण दी गई है, ये अभी पिछली क्लास में बताया है, x प्लस थ्री वाई, और यहाँ पर दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना दिया गया y। सबसे पहले बात होती है कि अवकल समीकरण को पहचानना, समझ में ही बात। जैसे इसको देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस थ्री वाई, डी एक्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स अपान में डी वाई, आई बात समझ में? और क्या कर सकते हैं इसको, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं डी एक्स अपान में डी वाई, इसको रोक ले वाई को इधर ले आए तो एक्स बटे वाई, और थ्री वाई के बटे में आएगा तो ये थ्री हो जाएगा, वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए ये आप इसे ले सकते हैं डी एक्स अपान में डी वाई, अच्छा थ्री वाई स्क्वायर था, यहाँ पर गलती हो रही, थ्री वाई स्क्वायर था, तो जब थ्री वाई स्क्वायर के बटे में वाई लाएंगे तो यहाँ थ्री वाई बचेगा, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा, थ्री वाई को उधर ही रहने दो तो ये प्लस का थ्री वाई। अब इसकी तुलना कर लेना, आपको एक रूप बताया गया था तुलना, डी एक्स अपान में डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये एक अवकल समीकरण का रूप बताया गया है, इसी से हम क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपको पी की वैल्यू मिलेगी वो माइनस एक बटे वाई मिलेगी, और जो q की वैल्यू मिलेगी वो थ्री वाई मिलेगी। तो समीकरण का हल के पहले हम निकालते हैं समाकलन गुणांक, मानी इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर p dy, वाई पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, e की पावर p, p की वैल्यू माइनस वन बाई वाई, और ये हो जाएगा dy, e की पावर माइनस और वन अपन वाई का log y, इसको आप लोग लिख सकते हो e की पावर log y की पावर माइनस एक, और e की पावर log
के बाद जो फंक्शन होता है वही इसकी वैल्यू होती है, यानी y की पावर माइनस एक मतलब 1/y इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको भली बात बताया जा चुका है, अब मेरी बात को समझिएगा। अब लिखेंगे समीकरण का हल। एक चीज आपको हम बता दें कि देखिए दो रूप होता है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q के रूप का होता है, एक होता है dx by dy प्लस px इक्वल टू q के रूप का होता है, और दोनों के लिए समीकरण का हल अलग अलग है। जैसे इसके लिए जो समीकरण का हल है वो क्या है, x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, वहां पर y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन होता है, और समाकलन ऑफ q इंटू में क्या होता है, इंटीग्रेशन फंक्शन, q इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन वहां पर भी होता है, बस यहाँ dy होता है वहां पर dx होता है। बस समझ में ही, अब देखिए x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की अगर बात करूं तो 1/y है, और q की अगर बात करूं तो q की वैल्यू 3y है, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू की बात करूं तो 1/y है, और इंटू में dy, और प्लस का कितना हो जाएगा, सी वाई से वाई कैंसिल, ये एक्स अपान में वाई इक्वल टू डी वाई का समाकलन करेंगे y हो जाएगा प्लस का सी, और 3 आपका है उसको भी लिख लीजिए, तो x बराबर y का उधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा cy, तो ये जो हो जाएगा अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। ये अवकल समीकरण से क्वेश्चन आते हैं भैया, मैंने अभी बताया आप सभी लोगों को, अभी ऐसे क्वेश्चन भैया हर बार एग्जाम में रिपीट होंगे, तो हर बार अनसॉल्व पेपर में तो हल नहीं करा जा सकता, अभी पिछले अनसॉल्व पेपर में भी मैंने रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कराया, यहाँ पर भी आप सभी लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अब आप सभी लोग समझ लीजिएगा, अगले सेट में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व हम नहीं करा पाएंगे, ठीक, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को क्या करना भाई, वही चीज़ 5 नंबर में आती है, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए आप सभी लोग। चलिए भाई, अलग से भी क्लास पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट में ओपन करके देखिए सभी आप लोग, इसको बहुत अच्छे से अलग से भी समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और इसमें आपको कंडीशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कौन कौन सी पहले घटनाएं घटित हो रही, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पर क्या दिक्कत खड़ी कर रहा है भाई, जैसे हम आपको बता दें, इसमें पूछा गया कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 230 लड़के हैं, और ज्ञात यह है कि 20% लड़के ही कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो देखो 230 लड़के हैं और विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए छठवें का खा पाठ है, एक घटना मान लीजिए ई, एक घटना ये यहाँ पर घटित हो रही है कि विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं, उसको लिखिए पहले, विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 200 कक्षा 12 में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, 200 जिनमें से 203 लड़के, ज्ञात यह है कि 20% लड़के, मतलब 230 का 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, गलती भी मत कीजिएगा। तो एक घटना और घटित हो रही है, इसको बात को समझ लीजिए, एक घटना ये घटित हो रही है कि 230 लड़के हैं, और ज्ञात यह है कि 20% लड़के ही, 230 में 20% लड़के ही क्या करते हैं, कक्षा 12 पढ़ते हैं, तो एक कंडीशन यहां पर यह है कि विद्यार्थी लड़का हो, इसकी भी कंडीशन दी है, विद्यार्थी लड़का है, यह भी एक घटना घटित हो रही है। अच्छा, साथ में एक घटना आपके पास और घटित हो रही है जो कि दोनों में कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ, पढ़ाई कक्षा 12 में ही लेकिन लड़का होना चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 12 में भी पढ़े और लड़का भी हो, तो हम लिख सकते हैं विद्यार्थी लड़का है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, कक्षा 12 में पढ़ता है। तो इस तरीके से आपको ये कंडीशंस 3 दी गई हैं जो कि आपको समझ के पहले निकालना है। अब आप जब समझेंगे और कह रहे कक्षा 12 में पढ़ता है, अब आपसे पूछा गया एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है, लड़का है चुना गया, तो ये घटना घटित हो चुकी है, और जो घटना घटित हो चुकी होती है उसको नीचे रखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब निकालेंगे तो ये बात क्लियर हो चुकी कि विद्यार्थी जो है वो लड़का है, और लड़के की विद्यार्थी लड़के की प्रायिकता को हमने एफ से लिखा, तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखते हैं, और जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है उसको ऊपर लिखते हैं। अब प्रायिकता इस बात की निकालना है कि वह कक्षा 12 में पढ़ता है, 12 में पढ़ने के लिए ये आपका ई होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना चाहिए, वो लड़का है लेकिन 12 में पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता निकालना है,
ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपन एफ का, मतलब कि एफ घटना घटित हो चुकी है, ई के घटने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन में ये कि विद्यार्थी लड़का है तो 230 लड़के हैं और 12 में पढ़ता है, उसके 20% ही लड़के पढ़ते हैं, कितने में से 500 में। तो आप सभी लोग प्रायिकता जानते हो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 230 में से 20% लड़के ही पढ़ते हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, कुल लड़के 500 हैं। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या है, विद्यार्थी लड़का, और लड़का कितने हैं 230, कितने में से 500 में, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 230 बटे 500। इससे इसको काटो, अभी आपका बचा क्या 230 गुणे 20% का मतलब बटे 100, और गुणे में आपका 230 भी हो जाएगा भाई, 230 से 230 काटो 20 × 500, ये 1/5 प्रायिकता आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम 6 के गा पार्ट की ओर, और गा पार्ट को कोई बताने की जरूरत नहीं, आप भी का सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूँ। कह रहे हैं कि यदि ए एक आव्यूह है, आव्यूह को लिख देते हैं आपके समक्ष, और आपको हम बता दे रहे हैं पिछले क्लास में बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कराया, 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ये एक आपको आव्यूह दे दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा तो सिद्ध कीजिए ए इंटू में एडजॉइंड ए बराबर मॉड ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना सिंपल बताओ यार, इस इतनी आसान क्वेश्चन, उसके बावजूद भी अगर आप लोग मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स न ला पाएं तो कितनी शर्म वाली बात है। हर बार अभी कहीं इनवर्स पूछ लिया जाएगा। अब इसमें करना क्या है, देखो ए आव्यूह आपको दिया गया है, एडजॉइंट ए आव्यूह कैसे निकालते हैं? सबसे पहले दिए गए आव्यूह का मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। जैसे मॉड ए की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहले 1 वाला कॉलम वाला 1 0, 4 × 16 3 × 9 16 से ये 9 घटा देंगे, फिर प्लस के बाद माइनस लेते हैं, -3 लेंगे, 3 वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे, 4 × 4 3 × 3 4 − 3, फिर प्लस लेंगे, 3 लेंगे, 3 वाला कॉलम 3 वाली रो छोड़ देंगे, 3 × 3 और 4 × 4, तो ये आपका बचेगा 16 से 9 जाएगा 7, -4 से 1 जाएगा 3, और ये 3 से 4 जाएगा -1 -3, तो ये 7 − 6 ये आपका आ जाएगा टोटल 1, नॉट इक्वल टू 0। और जब ये मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तभी ए इनवर्स संभव होता है, लेकिन यहाँ ए इनवर्स की बात नहीं की गई है, बात छोड़िए 1 आ गई, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जब आप RHS यहाँ पर निकालेंगे देखिए इतना आ जाएगा, RHS में आपका मॉड ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर 3 × 3 कोड की बात हो रही है तो मॉड ए की वैल्यू 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का होता है 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक, बिगड़ के सारे एलिमेंट एक एक हो तो वह आपका तस्मा का भी होता है, 1 का गुणा इससे करोगे तो इतना ही आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ए की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई या आव्यूह की वैल्यू आपको दी गई, ठीक है। आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए तो एडजॉइंट ए की वैल्यू जो होती है आव्यूह का सहखंडज आव्यूह होता है, सबसे पहले सहखंडों से निर्मित आव्यूह बनाते हैं और उसके बाद उसका परिवर्त कर देते हैं तो वो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाती है। तो जो आव्यूह है सहखंडों से निर्मित आव्यूह, मैंने आपको बनाना बताया है बहुत अच्छे से, बड़ा सा ये ऐसे ऐसे कॉलम बनाइए, ठीक है, अच्छे से आपको मैंने सहखंडों से निर्मित आव्यूह इस तरीके से बनाना बताया अभी पिछली क्लास में ही। पहले एक को छोड़ोगे तो 4 3 3 4 बचेगा, यहाँ उतारोगे, फिर 3 को छोड़ोगे इस 3 को, इस तरीके से हर एलिमेंट को छोड़ते हुए सहखंडज आव्यूह बनाओगे, फिर सहखंडों से निर्मित जो आव्यूह आएगा उसका परिवर्त निकालोगे, एडजॉइंट ए आ जाएगा, एडजॉइंट ए और इस आव्यूह का मल्टीप्लाई कराओगे इतना ही आ जाए, बस ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, LHS RHS के बराबर हो, ये सिद्ध हो जाएगा। तो बार बार यही सब चीज़ें ना करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पिछली क्लास में किया है, ठीक है, और ये हर क्लास में करना पड़ेगा, तो इसको कोई बार बार किसी चीज़ एक ही चीज़ को करना अच्छा नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर एक संबंध R है। देखिए एक रिलेशन आपको दिया गया जहां a कामा b है ना रिलेट है, रिलेशन रखता है c कामा d, और इससे एक कंडीशन निकल के आई है AD जो है वह BC, ये रिलेशन आपको दिया गया है, तुल्यता संबंध है। एक चीज़ हम बता दें, किसी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको स्वतुल्य सिद्ध करना होता है,
उसके बाद आपको सममित सिद्ध करना होता है और उसके बाद उसी संबंध को आपको संक्रामक सिद्ध करना होता है। और जब ये एक संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तो दिया गया संबंध एक इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने की बहुत ज़्यादा कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है। एन क्रॉस एन यहाँ पर समुच्चय दिया गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या लेना है आपको। कंडीशन ये दी गई कि अगर ए बी से संबंधित है, ए बी ए कमा बी सी कमा डी से संबंधित इस प्रकार है कि ए और डी का मल्टीप्लाई बी और सी के क्या है, मल्टीप्लाई के बराबर है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आपको बता दें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, अगर जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अभी मान के भी चलें कि माना ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए जो आया है वो नेचुरल नंबर के सेट से आया है, तो यहाँ पर जहाँ डी बी सी है सब ए ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ए आएगा, जो कि सत्य है। और अगर ये सत्य कंडीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, स्वतुल्य है। ऐसे भी दिखा सकते हो या आप लिख सकते हो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए यह रिलेशन आपका सत्य वैसे भी आएगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, कोई भी प्राकृतिक संख्या लोगे ए और बी, उसका जो है और उसके बाद सी गामा डी, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, लेकिन लेकिन सत्तुल्य की बात हो रही है। सत्तुल्य का मतलब कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ओके, सममित की अगर बात करें तो सममित में क्या माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है। सममित में हम मानते हैं कि ए कमा बी दिए गए अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी कमा सी भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए कमा बी कहाँ से आता है, दिए गए सेट से आता है। तो ए कमा बी अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या कंडीशन आती है, ये आपका होता है। तो जैसे ये चीज़ें रिलेशन में बिलोंग कर रही हैं, ए कमा बी और सी कमा डी, तो ए डी बराबर बी सी है। तो हम ये ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में सी कामा डी से इस प्रकार संबंधित है कि ए डी बराबर बी सी है। तो क्या इसको हम बी ए बराबर सी बी नहीं ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब ए डी बराबर बी सी है तो बी ए बराबर बी सी बी जो कि सत्य है, तो ए बी बराबर बी सी तो ये चीज़ है, और बी ए बराबर सी बी तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बी कामा ए रिलेशन रखेगा डी कामा सी से। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि यह संबंध क्या माना जाएगा, सममित। पलट के कर देना है बस, सममित भी है। और इसी तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है, और साथ ही में बी कामा सी भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तब ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ये वाला। ये तो संबंध जो होता है क्या होता है, संक्रामक होता है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान। इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए ए कामा बी, आर का चिन्ह लगा, सी कामा डी, ए कामा बी है ना रिलेशन रखता है, रिलेशन का चिन्ह लगा, मतलब रिलेशन आर मतलब रिलेशन, सी कामा डी से इस प्रकार संबंधित है, तथा साथ ही में हम मान लेंगे कि जो सी कामा डी है वो रिलेशन रखता है ई कामा एफ से। अब मेरी बात समझिएगा, इस प्रतिबंध से जो कंडीशन दी गई उसको लिखिए, कितनी कंडीशन दी गई है, ए डी बराबर बी सी, लेकिन इसमें समझना ये है कि ए और डी और बी और सी इस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया है, तथा अच्छा इसी तरीके से सी एफ से संबंधित हो जाएगा और डी ई से संबंधित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। आपको यहाँ पर दो कंडीशंस मिलेंगी, ठीक है, क्या करेंगे, इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो मानेंगे, और लिखेंगे समीकरण एक गुणे दो। समीकरण एक का गुणा दो से करने पर इसका एलएचएस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी गुणे में सी एफ बराबर आरएचएस का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ई गुणे में बी सी। चलिए हम गुणा कर देंगे, तो देखिए डी से डी दोनों पक्षों में कैंसिल, सी से सी दोनों पक्षों में कैंसिल, ए एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए मुझे, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, अगर ये देखो अभी हमने कहा था कि पहला वाला चौथे से रिलेशन रखा, तो यह पहला है ए कामा बी, ये संबंधित हो जाए ई कामा एफ से, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो जब यहाँ ए कामा बी था तो ए डी था, ए यहाँ वाला था और डी यहाँ वाला था, अब ए यहाँ वाला बी यहाँ वाला, तो ये हो जाएगा ए कामा बी रिलेशन रखेगा किससे, देखिए इसका इससे संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ कामा ई, कितना हो जाएगा एफ कामा ई, ध्यान से समझिए ना।
ये इससे संबंधित ए कमा बी, अब देख सकते हो ए बी से संबंधित था, ए यहाँ बी यहाँ था कि नहीं था। उसके बाद देखिए ये इससे संबंधित हो गया ई कमा एफ, लिखिएगा एफ कमा ई ना रखो, ई कमा एफ। बी का रिलेशन सी से था तो यहाँ बी सी था, ई का रिलेशन सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए एफ बराबर ई बी है ना, तो ए कमा बी था तो ए यहाँ लिखा गया था ठीक है, और बी यहाँ उठा के रख दिया गया तो एफ यहाँ पर उठा के रख दिया गया है, सी कामा डी तो सी यहाँ रखा गया है तो ई यहाँ रखा गया और बी यहाँ पर आ गया, तो सही तो है। और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, हमने क्या कहा ये अगर इससे रिलेशन रखता है और ये किसी और से रिलेशन रखता है तो ये इससे रिलेशन रखना चाहिए, यही संक्रामक की कंडीशन होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो क्या है, संक्रामक है, ट्रांजिटिव है ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं चूँकि आर सतुल्य है, आर सममित है, आर संक्रामक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। हम ज़्यादा बवाल नहीं लिख रहे हैं, आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। इस तरीके से किसी दिए गए संबंध को हम इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करते हैं, अर्थात उस संबंध को पहले स्वतुल्य फिर सममित फिर संक्रामक दिखा करके हम क्या करते हैं उसे जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध हम भाई सिद्ध करते हैं। ये लग गया ओके। चलिए भाई ये भी मैंने आपको कई बार बात बताई है, अभी वन शॉर्ट क्लास में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम आपको लेकर बताते हैं, क्योंकि तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन भी भैया निश्चित है कि एग्जाम में आएगा तो आएगा ठीक है, लिख लो आएगा, तीन नंबर में आ जाए पाँच नंबर में आए आएगा, तीन नंबर में तो बातें नहीं, दो नंबर में आते हैं पाँच नंबर में आते हैं। चलिए भाई बिना समय को लॉस किए हुए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और पांच नंबर वाला ये लास्ट क्वेश्चन होगा भैया आपका अंगा पाठ। इसमें मैंने कहा कि दो रेखाओं के बीच क्या निकालना होता है, दूरी निकालना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया वेक्टर आर इक्वल टू कितना दिया गया, आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस माइनस का फोर के कैप प्लस आपको दिया गया है लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और दूसरी क्वेश्चन दी गई वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और प्लस आपको दिया गया म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करते हैं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी से, तो यहाँ यहाँ भी बी यहाँ पे बी, ये जब सेम होता है तो रेखाएं समांतर मानी जाती हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी नहीं तो बी वन क्रॉस बी टू लगा देते हैं फिर ब्रेकेट में ए टू माइनस ए वन करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि बी भी सेम होता है रेखाएँ क्या होती हैं समांतर होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि रेखाएँ क्या हैं ये रेखाओं के जो समीकरण है रेखाएँ समांतर हैं, समांतर कब होती हैं जब ए वन प्लस लैम्डा बी ए टू प्लस लैम्डा बी मतलब ये बी भी सेम होता है तो रेखा समांतर कही जाती है, और इस स्थिति में जो डिस्टेंस का फार्मूला था मॉड वेक्टर बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन और बटे में क्या आपका होता है मॉड बी वन, ये होता है। मतलब आपको करना क्या है इसमें बहुत सिंपल, ये भैया बी होता है, ये आपका ए वन होता है, ये आपका ए टू होता है, आपको सर्वप्रथम a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालनी होती है, 3i से i जाएगा 2i कैप बचेगा, 3j से 2j जाएगा तो ये आपका प्लस का j कैप बचेगा, 5k से घटाएंगे 4k को तो वो प्लस का 4k हो जाएगा माइनस का k कैप बचेगा, पास में। अब हम करेंगे क्या वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a2 माइनस a1 से, तथा क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए i कैप जे कैप के कैप। अच्छा यहाँ पर देखिएगा बी का हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब बी के स्थान पर है टू थ्री और जे का के, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू टू वन माइनस वन, आई बात समझ में, तो चलिए भाई निकालते हैं आई कैप, आई कैप वाला कॉलम रो छोड़ेंगे, तीन एक का माइनस तीन छः एक का माइनस छः, माइनस के बाद प्लस के बाद माइनस जे कैप, जे कैप वाला कॉलम और रो छोड़ेंगे, दो एक का माइनस दो छः दुनी बारह प्लस के कैप वाला कॉलम और रो छोड़ेंगे दो एक कम दो माइनस तीन दूनी छः, तो इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस का नौ आई कैप और यहाँ पर बारह दो चौदह माइनस ये हो जाएगा प्लस का चौदह जे कैप
और यहाँ पर 2 से 6 जाएगा माइनस का 4 के कैप। इस तरीके से वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। ये उठा के वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे। ओके चलिए इस वैल्यू को रख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू आएगी उसका मॉड भी हमें निकालना है। तो इसका मॉड अभी क्या अभी निकाल लीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। तो d बराबर अंडर रूट, मॉड कैसे निकालते हैं, i के गुणांक का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, j के गुणांक का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 है। नीचे मॉड भी होता है देख लीजिए सूत्र में, और b आपकी वैल्यू कितनी, ये आपकी, इसका अंडर मॉड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से ऊपर जोड़ लीजिए भैया, 6, 6, 12 और 1, 13 अंडर रूट, और 19, 1, 20, 20, 8, 28, 1, 29 बटे में आ जाओ अंडर रूट, 36, 4, 40, 49 आ जाएगा। डी बराबर अंडर रूट 293 बटे में 49 का अंडर रूट 7। इस तरीके से ये डिस्टेंस निकाली जाती है, अंडर रूट 293 बटे में 7, ये आपके दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसके पहले वाले जो सेट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर B1 B2 अलग अलग था, बस इतना फ़र्क था, बाकी कोई फ़र्क नहीं था। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व होते हैं, नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा, और बाकी आगे की जो क्लासें होंगी अनसॉल्व पेपर की उसमें प्रयास किया जाएगा कि मात्र 2 ही क्लासों में पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा दिया जाए। ओके, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं कराया जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।